कभी पिन तो कभी सिम से कपड़े बनाने वाली इस पूरी इंडस्ट्री में एक ही है। क्या हमें आपको उनका नाम बताने की जरूरत है? शायद बिल्कुल भी नहीं। और फिर जावेद किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए कपड़े डिजाइन करने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस है। वो आए दिन मुंबई की सड़कों पर अपने अतरंगी कपड़ों में घूमती फिरती दिख जाती है और फिर अपने इन कपड़ों की वजह से इंटरनेट का पारा अक्सर बढ़ाती हुई दिखती है। वो अलग बात है कि उनके इन एक्सपेरिमेंटल कपड़ों की वजह से उन्हें कई बार ट्रोलर से मुंह की खानी पड़ती है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों के ताने सुनने के बाद भी उर्फी जावेद हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। अब आप इसे उनका लोगों के लिए इग्नोरेंस कह लीजिए या फिर बेशर्मी, पर उर्फी की इन सभी हरकतों से लोगों के मन में हर बार एक सवाल आ ही जाता है और वो ये है कि उर्फी के घर वाले उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते और उर्फी बेधड़क होकर ये सब अतरंगी कारनामे करती क्यों रहती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस हंसती मुस्कुराती लड़की की इस मुस्कान के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ है। उर्फी जावेद आज चाहे कैमरे के सामने कितनी भी बिंदास रहती हो, पर उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जिसमें उन्होंने काफी दर्द झेला और ये हमारा नहीं बल्कि खुद उर्फी जावेद का खुलासा है। एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी जावेद ने अपने बीते वक्त के कुछ हैरान कर देने वाले राज मीडिया के सामने खोल के रख दिए थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पिता और बेटी का रिश्ता जहां इस दुनिया में सबसे अनमोल माना जाता है, वहीं उर्फी ने अपने पिता के ऐसे खौफनाक चेहरे का जिक्र किया जिसे सुनकर किसी के भी बदन में कपकपी उठने लगेगी। दरअसल उर्फी जावेद ने इस इंटरव्यू में अपने पिता से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया। उर्फी ने बताया था कि उनके पिता ने उन्हें 2 सालों तक लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर खूब टॉर्चर किया था। उर्फी ने बताया था कि जब वो 11वीं क्लास में थी तब उनकी एक फोटो किसी ने एडल्ट साइट पर डाल दी थी जिसके बाद उन्हें खुद के घर वालों ने ही सपोर्ट नहीं किया। उर्फी जावेद ने अपने पिता के द्वारा किए गए इस टॉर्चर के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मेरे साथ ये हुआ तब मेरे लिए बहुत ही कठिन वक्त था क्योंकि मुझे मेरे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। पूरी दुनिया की तरह ही उन्होंने भी मुझे ही ब्लेम किया था। यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे पॉर्न स्टार तक कह दिया था। मेरे पिता ने मुझे 2 साल तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। मुझे मेरा नाम तक याद नहीं था। लोग इतनी गंदी गंदी गालियां देकर बुलाते थे। मुझे कुछ बोलने की आजादी नहीं थी। मुझे 17 सालों तक यही बताया गया था कि लड़कियां बोल नहीं सकती, जो मर्द कहेगा वही सही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई आवाज भी है। उर्फी अपने पिता और परिवार वालों के इस तरह के रवैये से इतनी ज्यादा उब चुकी थी कि आखिर में उन्हें अपना घर छोड़ना ही सही लगा। उर्फी बताती है कि जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मुझे अपनी जिंदगी पटरी पर लाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन अब मेरी पर्सनैलिटी सामने आई है और अब मैं रुकने नहीं वाली। उर्फी एक ऐसी लड़की है जो अपना दिमाग की करती है। मैं जो भी कहती हूँ मुंह पर कहती हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती और मुझे इस बात पर गर्व है। अक्सर अपने अतरंगी आउटफिट और अजब गजब स्टाइलिंग को लेकर चर्चा में रहने वाली सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद आज किसी भी चीज की मोहताज नहीं है। वो अक्सर इंटरनेट पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती है। विवाह और अपनी शर्तों पर जिंदगी बिताने वाली उर्फी सोशल मीडिया पर जितनी मशहूर है उतनी ही कमाई के मामले में अमीर भी है। और शायद आपको भी इस लड़की की कमाई के बारे में शौक लगे तो जरा सोचिए इनके पापा का क्या हाल होता होगा। लखनऊ की रहने वाली 25 साल की उर्फी आज के वक्त में तकरीबन 172 करोड़ की मालकिन है। वो हर महीने में लगभग 2 से 5 मिलियन की कमाई कर लेती है। इंस्टाग्राम पर उनकी पॉपुलैरिटी भी गजब की है। उन्हें इंस्टा पर करीब 3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनी पंत के किरदार में नजर आ चुकी उर्फी ने टेलीविजन के कई शोज में काम किया। खबरों के मुताबिक उर्फी एक टीवी सीरियल में काम करने के लिए हर एपिसोड के लिए 25 से 30 हजार रुपए चार्ज करती है। यहाँ तक कि उर्फी मॉडलिंग के जरिए भी खूब पैसा कमाती है, साथ ही वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भी अच्छी खासी कमाई कर लेती है, वैसे ही जैसे विराट कोहली करते हैं। जानकारी के मुताबिक उर्फी का मुंबई में एक आलीशान फ्लैट भी है। इसके अलावा उनके पास गाड़ियों का भी शानदार कलेक्शन है। एक्ट्रेस एक जीप कंपस एसयूवी की मालकिन है जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए। वो अक्सर अपनी इसी गाड़ी से ट्रैवल करती नजर आती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव उर्फी जावेद को मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस OTT से देश भर में तगड़ा फेम मिला। इस शो के बाद से ही वो टीवी की कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोस को लेकर सुर्खियों में रहती, साथ ही ट्रोलर्स के निशाने पर भी आती रहती है। आप ये भी कह सकते हैं कि आजकल ट्रोलर्स के आड़े हाथों आना उर्फी के बाएं हाथ का खेल हो गया या उनकी आदत है। हालांकि इसके बारे में भी वो किसी की परवाह किए बिना ही अपने मन मुताबिक जिंदगी जीती है। वैसे आपको उर्फी की एक खासियत के बारे में बता दूं कि लोगों के मन में एक सवाल ये भी रहता है कि उर्फी ऐसी अतरंगी ड्रेसेस लाती कहां से, आखिर कौन डिजाइन करता है ये सब। तो मैं आपको बता दूं कि उर्फी अपने कपड़े खुद ही अपने लिए तैयार करती है। यानी उर्फी अपनी किसी भी ड्रेस को काट पीट कर उसे एक ड्रेस से 2 ड्रेस तैयार कर लेती है। क्या क्या आप उर्फी के बारे में ये सारी बातें जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।